उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भूगोल से हुई है, इस बात को भी याद रखना आप। अगली बात समझ में नहीं आई, वो साइंस है वो अलग शब्द हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करेंगे, पहली एक लाइन लिखो जब जाके बात करेंगे, लिखो पहले टॉपिक का नाम डालो राजस्थान का भूगोल, और इसमें लिखना राजस्थान का भूगोल, उसमें पहली लाइन लिखना राजस्थान में पाई जाने वाली, राजस्थान में पाई जाने वाली स्थलाकृति का, राजस्थान में पाई जाने वाली स्थलाकृति का, राजस्थान में पाई जाने वाली स्थलाकृति का अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना राजस्थान का भूगोल कहलाता है, राजस्थान का भूगोल कहलाता है। किसका भूगोल कहलाता है? राजस्थान का भूगोल कहलाता है। अब सुनना, अच्छे से सुनना, लिख लिया हो तो एक एक पॉइंट को ऐसे सुनना जैसे रामायण बच रही हो, है ना, समझे ना, समझे? ठीक है, राजस्थान के भूगोल को पढ़ने के लिए हमने कितने भाग करने पड़ते हैं? दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, जब तो ठीक है, बंदा तीसरा अगर हो जाता तो उसके एक बीमारी होती है पाइल्स, कौन सी होती है? पाइल्स। तो हम दो हमारे दो, तो राजस्थान के भूगोल को पढ़ने के लिए हमने कितने भाग करने? दो। पहला भाग है, उसको कहते हैं भैया, बहुत अच्छा नाम है, जैसे कि कहीं आप मिलने गए तो क्या दोगे? अपना परिचय। क्या दोगे? अपना परिचय। परिचय देने के बाद दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं हम भौतिक स्वरूप। कौन सा? भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भूगोल लगभग दो भागों में क्या हो जाता है? कंप्लीट। पहला भाग कौन सा है? परिचय। और दूसरा भाग कौन सा है? भौतिक। परिचय के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं इस बात को भी देखो। परिचय के अंदर तुम सबसे पहले अपना क्या बताओगे? नाम। तो राजस्थान का क्या बताएंगे हम लोग? नामकरण। क्या बताएंगे? नामकरण। दूसरा अच्छे से याद रखना स्थिति, कि आप कहां से हो, कहां पर तुम्हारा गांव है। उसके बाद नंबर तीन पर क्या आता है? आपके गांव का विस्तार, आपके गांव का विस्तार। विस्तार के बाद आपके गांव का क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। और उसके बाद आपके गांव का क्या पूछ सकता है? वो आकृति। क्या पूछ सकता है? आकृति। तो परिचय के अंदर हमने कितने पॉइंट पढ़ने हैं? पांच। पहला पॉइंट कौन सा है? नामकरण। दूसरा स्थिति। तीसरा, चौथा, पांचवा। अब सुनना, भौतिक स्वरूप के अंदर तुम याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा। सबसे पहला भौतिक स्वरूप के अंदर आता है भौतिक प्रदेश। कौन से प्रदेश? भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के बाद याद रखना अपना आएगा वायु ही वायु, जलवायु। बोलो वायु ही वायु, जलवायु। तो पहला कौन सा? भौतिक प्रदेश। दूसरा जलवायु। अब जलवायु होगी तो साथ में हमें क्या चाहिए? बोलो टी टी बेटा, मिट्टी। बोलो क्या चाहिए? अरे बोल लो ना, भौतिक प्रदेश, जल, मिट्टी। और क्या चाहिए मिट्टी में डालने के लिए? बताओ जल। और जल के लिए क्या चाहिए हमें? नदियां। बोलो क्या? नदियां। बोलो क्या? नदियां होंगी तो उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं? बताओ झील। क्या बनाने वाले हैं? झील। और झील बनाएंगे तो साथ में याद रखना लाभ ही लाभ तालाब। बोलो लाभ ही लाभ तालाब। अगर ये बनाएंगे तो इनको जोड़ने के लिए, भरने के लिए कौन सी परियोजनाएं लाएंगे बेटा? सिंचाई परियोजनाएं। कौन सी परियोजनाएं? अरे बोलो ना, सिंचाई परियोजना। बोलो सिंचाई परियोजना। तो पहला प्रदेश कौन सी? वायु। कौन सी? टी। कौन सी? या। कौन सा? ला। और लाभ ही लाभ सिंचाई। अब सुनना मेरी बात, अगर जल आएगा तो जमीन पर हम क्या लगाने वाले हैं? और वन क्या है? अपनी संपदा। बोलो क्या है? वन अपनी संपदा। आगे बात समझ में नहीं आई तो दोबारा सुनो, राजस्थान भूगोल को कितने भाग करने हमें? दो। पहला कौन सा? परिचय। दूसरा
परिचय के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भौतिक स्वरूप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और वन एवं संपदा। अब वन होंगे तो वहां पर क्या होंगी? घास। और घास को खाने के लिए क्या चाहिए हमें बताओ? पशु। तो अपना कौन सा आएगा बेटा? अरे बोलो ना, क्या आएगा? आ गई बात, पशु की बात हो गई। तो हम लोग क्या खाते हैं? अनाज। और अनाज करने के लिए क्या करते हैं बताओ? अरे बोलो ना, क्या करते हैं? कृषि। अब कृषि करते तो हम लोगों की क्या होती है? संख्या ही संख्या। अरे क्या होती है? अगर हमें नाना या नानी के घर जाना है तो किसका उपयोग करेंगे बताओ? अरे बोलो ना, किसका उपयोग करेंगे? परिवहन। किसका उपयोग करेंगे? तो दोबारा देखो, राजस्थान भूगोल को कितने भागों पढ़ना है? पहला, दूसरा, पहले परिचय में क्या पढ़ेंगे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भौतिक स्वरूप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बन और अब जनसंख्या के अंदर याद रखना। बहुत से कहेंगे गुरुजी क्या बता रहे हो जनसंख्या, तो क्या पढ़ना हमें? जनगणना। और पशु संपदा के अंदर भी क्या पढ़नी हमें? जनगणना। क्या पढ़नी है? इसको फटाफट उतारो। क्यों, पशु गणना पढ़ेंगे नहीं तुम? सॉरी, ठीक है, पशु गणना। अब उतारो फटाफट, फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। गुरुजी वो गर्मी लगी रही है कि पड़ रही है? कहाँ है पंखा? चला हुआ ये लाइट की वजह से लग रही है। ना लिख रही बहन क्यों आए हो? मुस्कुरा रहा, आप लखनऊ में हो? अरे डी गए, ये लखनऊ नहीं है। लिख लिया? कहाँ से आवाज आई? किधर से आई आवाज ये लिखने वाले की?
दिख लिया। अरे चलें कि तब और के ना घूम के हमें बताओ। एक और चीज और लिख लियो बस, हमारी निज की बात है जिसका नाम है खनिज, है ना। एक क्वेश्चन इससे आता है, इसको लिख लो, इसको खनिज। चलें आगे। हाँ मुस्कुराइए, आप कहाँ पे हो? डीग में, ठीक है। अब देखो आगे, अपनी पहली हेडिंग लगने वाली है करण ही करण नाम करण, ठीक है। अभी बताओ राजस्थान है, इसके सबसे पहले राजस्थान कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अच्छा किस में कहा था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? उस पुस्तक का कितनी बार प्रकाशन किया गया था? पहला 1829 और 1837 या 32? 35। बहुत बढ़िया, ताली बजा ताली का जा, बहुत बढ़िया। अब सुनो इधर देखो, याद रखना भैया मेरे, हो लाला और लल्लू और लालियो, ये मान के चलो कौन सा थान है? राजस्थान। अब राजस्थान के थोड़ा इतिहास की बात करें, किसकी बात करें? इतिहास। किसकी बात करें? इतिहास। देखो किसी को अगर नहीं पढ़ना है वो मत पढ़े, मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है। और अभी तुम यहाँ तक पहुँचोगे बहुत टाइम लगेगा, अभी तुम BSTC की तैयारी कर रहे हो। शांति से सुनना, एक एक बात को सुनना, आगे बात समझ में। देखो हमारे नामकरण की बात करें तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या है जिसका नाम मैंने रखा है कौन सा? गोसुंडी। क्या नाम रखा है? गोसुंडी। और गोसुंडी हमें मिला ये आदमी कौन सी गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी गढ़ में मिला था? और ये मिला कब का है व्यक्ति? 532 ईस्वी का। कब का है? 532। अब इससे पहले बात करने से पहले कि राजस्थान भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947। थोड़ी सी इसकी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं वर्तमान राजस्थान। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। सबको पता है, सबको पता है कि हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले याद रखना एक जुलाई आती है जिसका नाम है 18 जुलाई। कौन सी जुलाई? और 18 जुलाई 1947 को भारत के अंदर एक नियम आता, एक अधिनियम आता जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसके अंदर लगभग लगभग कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं। वैसे हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी, लेकिन थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, राजस्थान है कैसा था और पहले अब कैसा है, पहले कैसा था, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक करने के बाद वर्तमान राजस्थान का क्या दिया था स्वरूप। तो 15 अगस्त 1947 से पहले 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, जिसमें कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20। इन 20 धाराओं में से याद रखना एक धारा का नाम था 8, एक का नाम था 9 और एक का नाम क्या था? 9 का सी। कितनी थी? 3 धाराएं। और इन 3 धाराओं में अंग्रेजों ने साफ कर दिया था क्या? इन्होंने कहा कि 14 अगस्त, कौन सी अगस्त? 14 अगस्त 1947 को भारत के अंदर से लगभग कितने देश बना दिए? 2। एक का नाम क्या था? पाकिस्तान। और दूसरा अपना कौन सा रहा? भारत। कौन सा रहा? भारत। पाकिस्तान और भारत बनाए गए। एक बार बता, पाकिस्तान जो शब्द है उसका निर्माण कैसे कैसे किया गया, कोई बता सकता तुम में से? याद रखना ये अपना पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान, ठीक है। अब सुनो, पाका मतलब याद रखना जाव ही जाव, पंजाब। कौन सा जाव? पंजाब। याद रखना ये पाकिस्तानी लेना भी चाहते थे किसको? असम को। किसको भी लेना चाहते थे? असम को। उसके बाद जो अपना ये तान है कौन सा? सिंध वाला। कौन सा? सिंध वाला, जो सिंध प्रांत आज भी राजस्थान के साथ क्या बनाता है? सीमा। कहते इन क्षेत्रों को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया था? पाकिस्तान का। और ये तान है ना, ये याद रखना कौन सा तान? बलूचिस्तान। कौन सा तान? बलूचिस्तान। आपको पता होगा कि जब भारत में अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें कौन सा था? बलूचिस्तान। इनसे मिलाकर के किसका निर्माण किया गया था? पाकिस्तान शब्द का। किस शब्द का? पाकिस्तान।
तो इन अंग्रेजों ने कहा इस अधिनियम के अंदर 8 और 9 सी में कि जो रियासतें भारत में मिलना चाहती वो भारत में मिल सकती हैं और जो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती पाकिस्तान में मिल सकती है। बड़ी अच्छी बात। तो तुम्हें पता होगा एक रियासत थी भारत के अंदर और उस रियासत का नाम था पाल ही पाल भोपाल। कौन था? भोपाल। एक रियासत हमारे राजस्थान के अंदर भी थी जिसका नाम था पुरी ही पुर ढौलपुर। ये मत कहना गुरुजी ज्योग्राफी चल रही है लेकिन कहाँ, लेकिन देखो समझाने का एक तरीका है कि आज जिस राजस्थान को तुम पढ़ रहे हो, आज जिस राजस्थान की तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक रियासत थी भोपाल, एक रियासत का नाम क्या था? धौलपुर। और एक अपनी एक रियासत थी जिसका नाम था मेरों में मेर जैसलमेर। कौन सी मेर थी? जैसलमेर। और एक अपनी रियासत थी जिसका नाम था वाड़ ही वाड़ मेवाड़। अगर मेवाड़ नहीं होता आज वर्तमान राजस्थान नहीं होता, इस बात को भी याद रखना। और मेवाड़ की राणा थी उस समय कौन? महाराणा भोपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह। और धौलपुर के थे कौन? उदय भान सिंह। कौन से सिंह थे? उदय भान सिंह, ठीक है। और यहाँ के एक व्यक्ति थे अब्दुल नाम के, भोपाल के नवाब थे, नवाब शेख के नाम से। और जैसलमेर के तुम्हें पता होगा सिंहों में सिंह कौन थे? रघुनाथ सिंह। कौन से सिंह थे? रघुनाथ सिंह। अब भोपाल के जो नवाब थे वो चाहते थे कहां मिलना? पाकिस्तान में। कौन से तान में? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में मिलना चाहते तो कहते कि भोपाल के नवाब ने गांठ वाठ बैठाई किसके साथ में? धौलपुर के साथ में। किसके साथ में? धौलपुर के साथ में, ठीक है। अब धौलपुर के साथ में जब बैठा रहे थे तो कहते कि धौलपुर के उदय भान सिंह भी मान गए थे इस बात को, हाँ वास्तव में ये बात सही है, हमें किसमें मिलना चाहिए? पाकिस्तान। लेकिन याद रखना एक आपको पता होगा 5 जुलाई, कौन सी लाई? 5 जुलाई 1947। कौन सी? 47। 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को राज भारत के अंदर एक विभाग की गठन किया गया था। उस विभाग का नाम क्या था? रियासती विभाग। कौन सा विभाग? रियासती। उस रियासती विभाग की कितनी शर्तें थी आपको पता हो तो? 2 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 2 शर्तें। कितनी शर्तें थी बताओ? 2। 2 शर्तें क्या कहती? कि जिस रियासत की जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख, वही रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र। वही रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र। और जिस रियासत की 1 करोड़ क्या है? वार्षिक आय। 1 करोड़ क्या है? वार्षिक आय। वही रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र। अगर दोनों शर्तों को अगर कोई रियासत पूरा नहीं करती है तो वो रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती, या तो उसे पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा या फिर भारत में। ऐसी योजना या ऐसी शर्तें थी किसकी? रियासती विभाग की। और रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947। अब उद्यम कौन कर रहा है? भोपाल। याद रखना पाकिस्तान के 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। बोलो क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये व्यक्ति चाहता था कि भोपाल भी किस में आ जाए? पाकिस्तान। और भोपाल के नवाब सोच रहे थे अगर हमें पाकिस्तान में जाना है तो हमें कौन कौन सी रियासतों को भी अपने साथ लेकर जाना है? जैसलमेर, साथ में मेवा, और साथ में याद रखना एक रियासत और थी जिसका नाम था पुरों में पुर जोधपुर। और जोधपुर के इस समय शासक थे कौन? हनुवंत सिंह। कौन से सिंह थे? हनुवंत सिंह। अब ये क्यों जाना चाहते, क्यों इनको लेना चाहते? क्योंकि भोपाल, आपने अगर भारत का नक्शा देखा हो तो भोपाल कहां पड़ता है पहले ये बताओ? अरे बीच में पड़े। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की क्या लगती है? सीमा। तो जब मध्य प्रदेश से भोपाल से अगर हम कहां जाएंगे? पाकिस्तान की ओर। तो कहते हैं कि ये रियासत जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ ये क्या पड़ती है? रास्ते में पड़ती है। अगर भोपाल के नवाब को पाकिस्तान में मिलना होगा तो सबसे पहले किस किन को? जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़, इनको भी मिलाना होगा, क्योंकि उसको क्या करना? अपना रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? रास्ता। अब क्या हुआ, ये भोपाल के नवाब और मोहम्मद अली जिन्ना सीधे पहुंचे किसके पास? याद रखना जोधपुर के हनुवंत सिंह के पास। इसको बहका दिया जैसे तुम बहक जाए आजकल, उसी प्रकार इनको भी बहका दिया। और कहते हनुमंत सिंह मान गया कि मैं भी किस में मिलना चाहूंगा? पाकिस्तान।
इधर से जोधपुर के ने कहा किसमें भैया, जैसलमेर वाले को भी क्या करो, बहकाओ। कहते कि जैसलमेर बारा भी क्या हो गया, बहक गया। उसके बाद जैसलमेर जोधपुर दोनों तैयार हो गए। इधर से हमारे धौलपुर पहले से क्या हुए पड़े, बहके पड़े इन दोनों के चक्कर में। अब इन तीनों ने चारों ने मिलकर योजना बनाई किसके पास जाने की, मेवाड़। और मेवाड़ के राणा कौन है, भोपाल सिंह। याद रखना, इतिहास में अब भी लिखा हुआ है कि अगर भोपाल सिंह जी नहीं होते तो राजस्थान राजस्थान नहीं होता, बल्कि आधा भाग कहां होता, पाकिस्तान के अंदर। किसके अंदर होता, पाकिस्तान के अंदर। अगर कौन नहीं होते, मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह। अब हुआ क्या कि मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह के पास जब ये पहुंचे तो मेवाड़ के राणा से कहा गया कि आपको जो चाहिए वो ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन किस में मिल जाओ, पाकिस्तान। तो कहते कि मेवाड़ के राणा जिनका नाम था कौन था, भोपाल सिंह, उन्होंने पता क्या कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता तो मेरे पूर्वजों के द्वारा जो काम किए गए थे उनका कोई भी क्या कहते महत्व नहीं रह जाएगा। कैसे, क्योंकि मेवाड़ के राणा के वंशज कौन, महाराणा प्रताप। अगर महाराणा प्रताप चाहते तो एक बात बताओ कि भारत के अंदर कितनी रियासतें थी, 565 आजादी के समय। उन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जिसका नाम था बादों में बाद हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबाद। तो कहते कि भोपाल सिंह ने कहा था कि अगर मैं ऐसा कर, अगर मेरे जो पूर्वज थे अगर वो चाहते कि हम भी एक अलग बड़ी सी रियासत बनाए तो वो मुगलों में अकबर की क्या स्वीकार कर लेते, अधीनता। उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि हम भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, चाहे आप हमें कोई भी लालच दीजिए। तो कहते कि मेवाड़ के राणा ने साफ साफ इनकार कर दिया था, और साफ साफ इनकार करने के बाद याद रखना हमारे देश के अंदर एक करने का काम कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में इनके और व्यक्ति थे जिनका नाम था बीपी मेनन। कौन थे, बीपी मेनन। कैसे थे, क्योंकि रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में कौन थे, जो उनके सचिव थे उनका नाम क्या था, बीपी मेनन। इनकी कहते जब इन्होंने पता पढ़ा ना इनको, जब ये राणा के पास गए थे मिलने के लिए तो उनसे कहा कि हम आपकी इस बात से बड़े खुश हैं और आप हमारे साथ चलिए कहां, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का सिंहासन आपके इंतजार, आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो कहते महाराणा के राणा ने, सॉरी भोपाल सिंह ने कहा कि आज मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो मेरे पूर्वजों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी आज स्वयं दिल्ली का सिंहासन मेरे पास चलकर आ गया। और इसी कारण से कहते कि आज जिस राजस्थान को पढ़ते हो ना तुम, उस किसकी देन है, मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह। मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह जब जाकर के कहते हैं कि आपको पता होगा 7 अगस्त 1947 को किसने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर, बीकानेर रियासत ने। किसने किए थे, अब उसके बाद ध्यान रखना धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 14 अगस्त 1947 को कहते कुछ घंटे पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे इसने धौलपुर में। और तुम्हें मालूम होगा जब बत्तस्य संघ का निर्माण हो गया था फिर भी उसके बाद धौलपुर और भरतपुर के जो जनता, सॉरी जो शासक थे उन्होंने फिर भी ऐब दिया था, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन इनकी द्वारा समझाइश के द्वारा जब जाकर के धौलपुर भरतपुर को किसमें मिलाया गया था, राजस्थान। अब तुम खुद बताओ, जैसलमेर खूब बड़ी रियासत थी, जोधपुर खूब बड़ी रियासत थी और मेवाड़ भी अपने आप में खूब बड़ी रियासत थी। अगर ये तीनों की तीनों रियासत पाकिस्तान में चली जाती उस समय तो आज जो हम राजस्थान पढ़ रहे वो राजस्थान होता नहीं, होता आधा राजस्थान होता। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब हम बात करने वाले किसकी, ज्योग्राफी के अंदर। अब हम ज्योग्राफी के अंदर किसकी बात कर रहे थे, नामकरण की। किसकी बात कर रहे थे, नामकरण। नामकरण में याद रखना एक शिलालेख मिला था जिसका नाम था घोसुंडी। कौन सा शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। इस घोसुंडी शिलालेख जो हमें मिला था वो हमें कौन सी गढ़ से मिला था, चित्तौड़गढ़ से। कौन सी गढ़ से मिला था बताओ, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़ से मिला था। और एक घोसुंडी शिलालेख कब का था, 532 ईस्वी का था। कब का था भाई बताओ, 532 ईस्वी का था। इस घोसुंडी शिलालेख के अंदर हमें याद रखना है एक शब्द मिला था और उस शब्द का नाम था राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द। कौन सा शब्द मिला था,
तो आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय शब्द से परिभाषित कौन से शिलालेख में किया गया था? गोसुंडी शिलालेख में। और गोसुंडी शिलालेख हमें कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। अगर स्थान का नाम भी पूछ ले तो याद रखना एक नगरी है। कौन सी है? नगरी। इस नगरी से मिला था कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। अब गोसुंडी शिलालेख जब उत्कीर्ण करवाया गया था उस समय कौन से धर्म का प्रभाव था? तो याद रखना वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म बताओ? वैष्णव। जो महात्मा गांधी बार बार अपने भजनों में गाया करते थे, कहते ना वैष्णव धर्म परमो धर्म, कहते थे ना महात्मा गांधी। तो वैष्णव धर्म का इसमें क्या मिलता है? जानकारी मिलती है, जिसके अंदर राजस्थान के भूभाग को सर्वप्रथम कौन से शब्द से परिभाषित किया गया? राजस्थान। कब का है? 532। कौन से 32? 532। कहां से मिला? नगरी। और नगरी कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। अगर पूछ ले के साहब नगरी नगरी बोल रहे हो, क्या है ये? मध्यमिका नगरी। कौन सी नगरी? मध्यमिका नगरी। जो याद रखना, ये एक जनपद था जिसका नाम था सिबी जनपद। कौन सा जनपद था? सिबी जनपद की राजधानी हुआ करती थी कौन सी? मध्यमिका नगरी। और मध्यमिका नगरी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ से कौन सा शिलालेख मिला? गोसुंडी शिलालेख। और कौन से धर्म का इसमें मिलता है? वैष्णव धर्म का। और इसमें राजस्थान के भूभाग के लिए सबसे पहले शब्द कौन सा दिया गया था? राजस्थानी। अगर तुमसे और ज्यादा पूछ ले तो याद रखना साई सा भाषा। क्या पूछ ले? भाषा। और भाषा की बात करें तो कृत ही कृत बेटा, संस्कृत। कौन सी कृत? संस्कृत। अगर बात कर दे किसकी? लिपि की, तो लिपि याद रखना कौन सी लिपि बेटा? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ये बातें कौन सी शिलालेख की हो गई? गोसुंडी शिलालेख। वैसे जब हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों की, जब और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन हमें फिलहाल किसकी बात करनी? नामकरण। और नामकरण किसका? राजस्थान। तो पहला जो स्रोत मिलता है वो कौन सा मिलता है? गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी शिलालेख कहां से मिला? नगरी। और नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। कब का है? अरे बोलो कब का है? कौन से धर्म का उल्लेख मिलता है? वैष्णव धर्म का। कौन सा शब्द उपयोग किया गया राजस्थान के लिए? भाषा कौन सी थी? लिपि कौन सी थी? आ गई बात समझ में? नहीं आई? अरे बोलो ना, आई कि नहीं आई? अरे यार आवाज नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई? अब आया थोड़ा। अब देखो आगे, अब और देखना अच्छे तरीके से देखना भैया। हम गए कौन सी ऋतु में? बोलो बसंत। और बसंत में क्या मिल गया हमें? गढ़। और तुमने सुना होगा एक दुर्ग है बसंती दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कुंभा ही कुंभा। अरे कुंभा ही कुंभा। अब बसंतगढ़ कहां पड़ता है? तो याद रखना रोही रोही। अरे रोही रोही। अब याद रखना यहां पर क्या मिल गया? लेखों में लेख। अरे शिलालेख जानते हो ना तुम लोग? अरे जानते नहीं जानते हो? एक पत्थर होता है, पत्थर पर क्या लिख, जो लिखा जाता है उत्कीर्ण करवाया उसको ही क्या कह दिया गया? शिलालेख। याद, स्तंभ और शिलालेख में अंतर है, इस बात को भी याद रख लेना। कहीं गड़बड़ कर दिया गुरु जी, शिलालेख हो ये कहीं होगा, स्तंभ ही एक भी होगा, शिलालेख स्तंभ क्या दोनों अलग है। तो याद रखना कौन सा गढ़? बसंतगढ़। कहां पर? सिरोही। कौन सा शिलालेख मिला? बसंतगढ़ शिलालेख। अगर पूछ ले कौन सी समय का है? तो गुरुजी याद रखना 600। अरे 600। और कभी कभी क्या होता है? कभी कभी नहीं होता, प्यार एक बार हो जाता है। किससे? पढ़ाई से। किससे होता है? पढ़ाई से। तो कभी कभी क्या करता है? एग्जामिनर पूछ लेता है इसका संबंध। क्या पूछ लेता है? संबंध। तो याद रखना कितनों आएगा बेटा? पते पड़ गई होगी। केवल मैंने इसमें कितना जोड़ा? क्या आ गया? 682। कौन सी संबत का? 682। कौन सा शिलालेख? अरे कौन सा शिलालेख? कौन सी रोई से मिला? मिल गया। और मिलने के बाद याद रखना इसके अंदर एक वंश है जिसका नाम है हिल ही हिल। और गुहिल क्या है बेटा? और गुहिल वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था हिलाई दित्य। बोलो कौन सा दित्य? हिला दित्य मतलब गुहिला दित्य। गुहिला दित्य के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। और याद रखना इसी शिलालेख के अंदर इस राजस्थान के भूभाग को नाम दिया गया था कौन सा? राजस्थानादित्य। बोलो कौन सा दित्य? इसमें भी क्या लग रहा है? इसमें भी क्या लग रहा है?
लेकिन शब्द थोड़ा अलग है, और अलग शब्द का नाम क्या है? अरे बोलो ना, अगर सुन ले तुमसे पूछ ले साई सा वासा, और वासा की बात करे तो करत ही करत, अरे करत ही करत। साथ में याद रखना, अगर पूछ ले क्या लिपि तो टिल ही टिल, टिल ही टिल, अरे बोलो टिल ही टिल। भाषा पूछ ले तो, अरे कौन सी रोई, कौन सा गढ़, कब का है। संबत पूछे तो, कौन से वंश के बारे में, गुइल वंश का संस्थापक कौन, इसके बारे में क्या मिलती है, अरे बोलो कारी कारी। और कोई तो कारी मत कहती हूँ, गड़बड़ जाएगी। और ये कौन सा शब्द मिला, अब इन दो पॉइंटों को पहले लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो फटाफट, मामलो गड़बड़ जाए, समझाओ समझाओ, चले जाए क्लास पूरी। लिखो लिखो, अरे आनंद आ रहा हूँ ना क्लास में, कोई परेशानी गुरु जी, दिक्कत परेशानी कछू, छोटे मोटे आदमी भैया तैयार आ गए अभी तो। लिखो तो नंबर एक डाल के लिखो, हाँ साहब बोलो सर बताओ, लिखो तो लिखो नंबर एक लिखो, गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। अच्छा हेडिंग क्या लगवाई थी बताना, लिखो गोसुंडी शिलालेख। लिखो यह शिलालेख एक चीज याद रखना, किताब में तुम्हें एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी मिलेंगे, और हमारे राजस्थान में एक व्यक्ति को अबुल फजल कहा जाता है, जिनको नाम क्या है, मूढ़ोत नेरसी। कई किताबों में मिल जाता है कि मूढ़ोत नेरसी के द्वारा नेरसी दी ख्यात, ठीक है, उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन उनका क्या कर दिया गया, खंडन। एक उचित प्रमाण नहीं मिलने के कारण उसका क्या कर दिया गया, खंडन। इस कारण से उसको हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मिल जाए बाई चांस, वो लड़ बैठे कहीं, गुरु जी इन कर्नल जेम्स स्टोर से पहले तो साहब मुड़ो तो नेरसी ने दे दियो नाम, तो वो तो लड़ियो मत आए के, ठीक है। याद रखना प्रमाण पढ़ना हमें, जो सत्य है उस बात को पढ़ना, ना कि झूठ को पढ़ना। उन्होंने नाम दिया था, लेकिन उसको जो इतिहासकार थे, उसके बाद जो क्या कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट जो होते, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, इन्होंने नाम दिया, लेकिन इसके सही रूप से हमें क्या नहीं मिले, साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। लेकिन कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, वास्तव में उसके साक्ष्य हमें सही मिलते हैं, और उसी के आधार पर माना गया है कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान शब्द किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड। और राजस्थान केवल एक शब्द नहीं दिया था, बल्कि कितने शब्द दिए थे, तीन। एक दिया था रायथान, एक दिया था रजवाड़ा, और एक क्या दिया था, राजस्थान। आगे बात समझ में, तो लिखो पहले कौन सा शिलालेख था, गोसुंडी शिलालेख। लिखो यह नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, यह नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कोष्ठक में लिखना मध्यमिका नगरी, मध्यमिका नगरी, मध्यमिका नगरी, और डैश कर लिख देना सिवी जनपद की राजधानी, सिवी जनपद की राजधानी, कौन से जनपद की, सिवी जनपद की राजधानी। नेक्स्ट लिखो, इसमें सर्वप्रथम, इसमें सर्वप्रथम, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय शब्द, राजस्थानीय शब्द, राजस्थानीय शब्द प्रदान किया गया, प्रदान किया गया या संबोधित किया गया,
नेक्स्ट लिखना, इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है, इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट लिखना, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट लिखना, बस इतना ही बहुत है, हम वैष्णव धर्म छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा एसटीसी कोई तो है। अगला लिखो बसंतगढ़ शिलालेख, कौन सा शिलालेख, बसंत, इसमें लिखो यह शिलालेख बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसका समय 625 ईस्वी माना जाता है, 625 ईस्वी माना जाता है। कोष्टक में लिखना सम्मत 682, छः आठ दो, दो चौके आठ द्वितीया छः। देखो इसमें राजस्थान के भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थानादित्य, कौन सा दित्य, शब्द से परिभाषित किया गया लिख लो, या कहा गया लिख लो, क्या मन करे ऐसे लिख लो, आड़ो तिरछो लूलो लंगड़ो। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो, इसमें कहा है को बीच कछु आग भाग लग गई, किताब को फोन बज रहा है, ए भगवान मैं कैसे बताऊं, या फोन ने तो जिंदगी खराब कर दी। गुरुजी को फोन है, मां साहब उन्हें ना ऑफिस में लगाया कर, यहां फोन लगा रखो, कमाल कर दिए। अचूत नाम है ना, जो फोन रखे बिन के अंगूठा बढ़ेंगे, दो चार दस साल पंद्रह साल में अंगूठा इतना लंबा है जाओ कम से कम, क्योंकि दिन भर यही चला है, जो पैसा गिनने में तो चले ना है, मोबाइल में चल रहा फिलहाल, क्योंकि पैसा तो ही ना है भाई, पैसा बर्बाद कहाँ है रहा मोबाइल में भाई, सही बात करूँ गलत बात करूँ। आजकल तो मैं बताइए, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको ड्रीम इलेवन लगाइए, करोड़पति है जाइए, बता 50 रुपया में करोड़पति है तुम तो। और विराट कोहली बोल तो कछु और रहो, बाकी जो 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 लिप्स की भी है बोल बे रिकॉर्ड करके और वहाँ में बोली घुसा दिए, एबिटर खे लीजिए और उसके बाद आप लखपति हो सकते हैं, अच्छा है, कम इन्वेस्ट में इतना पैसा आएगा। ओ भगवान, बालक इन ना देख रहे कि मास्टर जो पढ़ा रहा है, देखे तो हमें कोई किताब लिया हमें बढ़िया सी ना, कोई मतलब ना पर लिखो निकालने, 3200 ना आए तैयार, अभी लिखो, अभी लिखो लिखो, इस शिलालेख में गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य के बारे में लाला एक चीज याद रखियो, बहुत से मामलों गड़बड़ है जाए, गुहिलादित्य की कहानी में तुम्हें बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मगर अभी ना बता रहा हूँ, मामलों गड़बड़ है। किसका नाम गुहिलादित्य ही क्यों रखा गया, इसका जो जन्म हुआ था वो किसमें हुआ था, गुफा में,
और गुफा को क्या कहते हैं? गुहिल। क्या कहते हैं? गुहा। ये बात तो सही है। इस कारण से इस बच्चे का नाम क्या रखा गया था? गुहिल। समझ गए ना? समझे? धड़लगा फटाफट। गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। भैया मैं 12वीं पढ़ा हूं, देख लो, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, देख लो, है केवल मात्र 12वीं कर रहा है, देख लो, है 12वीं, 12 12वीं 12 बालक पढ़ा सके तुम ऐसे? देख लो, ऐसे देखो ऐसा क्या कह रहे हो? तो भाई गबू होना चाहिए कि मास्टर जब 12 पास करके पढ़ा सके तो हम पढ़ाएंगे। देखो देखो इसकी भाषा, देखो इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी भाषा संस्कृत है, जबकि इसकी लिपि कुटिल है। कुटिल, कुटिल। अब यूं मत क्यों गुरु जी कुटिल कहा हुआ है? मेरी लैंग्वेज भैया कचना है, जानते होंगे तुमने कहा तो। बंद कर दो, लिखो बंद करो। एक देश है और उस देश का नाम है आयरलैंड। खूब सुना होगा श्रीमती एनी बेसेंट का नाम, खूब सुना होगा, सुनो ना। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरलैंड। तो उनको फूफा हो, ठीक है, और उनके फूफा को नाम बहुत अच्छा हो, इतनो अच्छो नाम हो जहां को नाम कहा हो जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? फूफा को नाम कहा हो, देख लो। और कहां का निवासी था? और केवल ही केवल पैसे लेता था लगभग 1800। कितने रुपए लेता था? ठीक है, तो एनी बेसेंट के फूफा का नाम क्या है? कहां के निवासी थे? मुस्करा ले लला, लखनऊ में सीधे बैठ जा छोरा, तैयारी उम्र का भैया, भैया भाई ए भगवान, जहाज ना तुम भ्यावे जाएंगे ना लगभग 6 घंटा बैठना पड़ेगा कुर्सी पे लाला, हालत खराब हो जाएगी तैयारी। अभी तुम ऐसे करेंगे ए न्यूयॉर्क के साहब, नौकरी ना मिले, भाग्य खराब है। ये तो दरिया खाया, तू कचू खा के आओ ना आयो। वो तो मेरी भी खा सके, कचू खा सके, कलियो करके आओ। तो तुम तो कचू चाय पी के आए ना आए? हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक चलने वाली चीज क्या है? सुबह चाय पी आओ ना, पी के आओ। हाँ दूध, चलो अच्छी बात है। अब इधर देख लो फूफा, या फूफा देख लो लाला, उन्हें फूफा कहाँ के हैं? पैसे कितने लेते हैं? वैसे पैसे इन्होंने एक बार लिए थे लगभग 1798। कितने पैसे लिए थे? 1798। और लेकर के कौन से रथ में आ गए थे? भारत। यहीं से आने के बाद सीधे पहुंच गए कौन से प्रदेश में? कौन से प्रदेश में? और मध्य प्रदेश में जाकर के एक व्यक्ति थे जो हर समय करते थे कि मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, जिनका नाम था लत ही लत दौलत। साथ में कौन थे? राव। और क्या थे ये बताओ? सिंधिया। और कौन सी लियर में थे? ग्वालियर। कौन सी लियर में थे? ग्वालियर। कौन सी लियर में थे? ग्वालियर। तो पैसा ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? दौलत राम कहेंगे। तो नाम क्या हुआ? दौलत राव। साथ में कौन है? सिंधिया। कहाँ? ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर का प्राचीन नाम बता सकता है कोई तुम में से? गामन के कौन कौन हाथ खड़े करते एक बार? तुम सब गामन के, जब भी तुम्हें ग्वालियर का नाम नहीं पता है, ग्वालियर का नाम नहीं पता तो एक व्यक्ति का नाम पता है तुम्हें, जिसका नाम था नलों में नल राजा नल। सुना है नलो दमयंती की कथा? ब्याह सुनो होगो ना सुनो। और 8 साल की ओखा पड़ी राजा नल पे, पते होगी, जो सोनो वो भी कंकड़ बन गए, जो भोजन था वो खून बन गया, सुना होगा। तो वैसे ये राजा नल थे, वरों में वर याद रखना नरवर। कहाँ के राजा थे? नरवर। और नरवर का नाम ही क्या हुआ? ग्वालियर। नरवर का नाम ही क्या हुआ? ग्वालियर।
पढ़े तो बहुत है साहब, मगर याद ना रहे। बहुत से आनंद ले बेगू सुने ढोलन ने, है ना, बहुत से ज्यादा न्यू सोयो आनंद आ रहा, ढोलक बज रही है बड़ो, ऐसा मन कर रहा नाच लो। मन यू ना पे ढोलन में कछु कछु शब्द ऐसे मिल जाए जो तुम्हारे काम आ जाए। तो नरवर कई क्या कहते ग्वाली ना, एक व्यक्ति आएगा कछुआ में जिनका नाम तो दूले रहा है, ढूंढ ढूंढ के मारेगा वो किनको, मीणाओं को। वो भी किधर से आएगा, इधर से ही आएगा, नरवर से ही आएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो एमपी में दौलतराव सिंधिया थे। अब दौलतराव सिंधिया के दरबार में जाकर बैठ गए हमारे फूफा, जिनका नाम क्या था, फूफा जी बैठ गए। और फूफा जी ऐसे बैठे दरबार में कि पूछो मत, कभी तो इनको आ रही है मरती, कभी रसगुल्ला, कभी कछु। अच्छा अच्छा हटाऊ मैं, ले भैया ठीक है। तो कभी इनको रसगुल्ला आ रहे, कभी बर्फी आ रही, कभी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कभी कुछ, कभी स्टिंग और आ गई साहब, एनर्जी आ जाएगी जल्दी। तो एक दिन कहते हैं कि स्टिंग पी लें, तीन, कितनी पी लें, और तीन पीने के बाद ये घूमने लगे शहर के अंदर। अब शहर के अंदर घूमने लगे तो उन्होंने पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ तो वो कछु लगना रहो वैसी, यहाँ पे बम्बूरी बम्बूर खड़ी है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ कछु मिल सके, देख मिल सके। तो उन्होंने कहा भैया पास में ही है, पड़ोस में या दूर ना है, और पास में ही पड़ोस में ही है जहां पर रहते हैं, बोलो कौन, राजा, साथ में कौन रहते हैं, महाराजा, और राजाओं की क्या है, रानियां, रानियों के साथ में क्या है, दासियां, और जहां रहते हैं वो क्या है, महल, और रानियां जहां जाती हैं क्या, बाबड़ियां, बाबड़ियां तुम जानते हो स्नान करने के लिए जाया करती थी, किनके लिए, स्नान करने, सब कुछ है वहां पर। और वहां पर तानों में तान रेगिस्तान भी है जिसके अंदर कौन चलते, ऊंट चलते हैं, कौन चलते हैं, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाबूजी राठौर, किनको दिया जाता है, कौन से कोट से लाए से, अमर कोट से, कौन से कोट से, अमर कोट में इनकी क्या हो रही थी शादी, जाना नहीं है, हाँ पाकिस्तान में अमर कोट, अमर कोट पाकिस्तान में कहा है, कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में, ठीक है। देखो बाबड़िया है, सब कुछ है, और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पर वली ही वली अरावली भी है, और अरावली पर महल बने हुए, दुर्ग बने हुए, सब कुछ बने हुए। तो जॉर्ज थॉमस ने कहा यार ऐसे जगह पर घूमना जरूरी है, और ऐसे ऐसे स्थान भी हैं उसके अंदर जहां पर पानी में क्या बने हुए, महल। जॉर्ज थॉमस ने कहा ऐसे घूमकर आना पड़ेगा। तो फूफा ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा अपना घोड़ा पकड़ा, और पकड़ने के बाद कौन से थान में आए थे, कौन से थान में आए थे, राजस्थान में आ गए। अब राजस्थान पहले राजस्थान नहीं था, याद रखना, राजपूतों का है स्थान फिलहाल, अभी उसी राजपूतों के स्थान से याद रखना अगला जो नाम देने वाला व्यक्ति। तो जैसे ही आए घूमने, तो घूमने के बाद इन्होंने देखा भैया यहां तो सब राजा ही राजा, और राजा भी कौन है, राजपूत। पूरे भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा यहाँ पे ज्यादातर राजा कौन है, राजपूत, और उन्हीं राजपूतों के नाम पर मुंह से बोल उठे कौन सा नाम, राजपूता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के भूभाग को मौखिक रूप से राजपूताना कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, फूफा, और हमारे फूफा कौन, ज्यादा दिल पे मत लगा लियो कि फूफा तुम्हारे कोई और बना दी मासा बन, मेरे तो फूफा है, मेरे फूफा हुए तो तेरे तो बाबा ही लगेंगे, तेरे फूफा लगेंगे। अब सुनो, तो इन्होंने मौखिक रूप से कौन से शब्द से परिभाषित किया था, राज, लिखा नहीं गया है, केवल जैसे तुम कहीं गए तो आपने कहा वाह ब्यूटीफुल, तो आपके शब्द को लिखा नहीं गया बल्कि आपने केवल क्या किया, उसको बोला है। तो मौखिक रूप से कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस, कौन थे, जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी थे, कौन से निवासी, आयरलैंड। कब की बात है, पहले कहाँ है, कौन के पास, ठीक है आगे बात सुन में, लिखो फटाफट, देखो नंबर तीन डालो, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी, लिखो जी, जी जी लिखो, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी थे,
ये ले तो गुरु जी सुबह तक ले संध्या तक पढ़वा लो, बालक ही परेशान रह जाएंगे, मैं तो ना हूं। कौन से निवासी थे? नेक्स्ट लिखो। राजस्थान में आने से पहले ये, राजस्थान में आने से पहले ये एमपी में स्थित ग्वालियर के, एमपी में स्थित ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया के दरबार में थे, दौलतराव सिंधिया के दरबार में थे, दौलतराव सिंधिया के दरबार में थे, दौलतराव सिंधिया के दरबार में थे। दौलतराव सिंधिया के दरबार में थे। नेक्स्ट लिखो। 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में राजस्थान भ्रमण के बाद, राजस्थान भ्रमण के बाद, वैसे इनके अलग से बात करेंगे हम, जॉर्ज थॉमस की सबकी, कब इतिहासकार पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार, जब बात करेंगे इनकी ध्यान रखना इस बात को, क्या लिखा है था भूलो में, राजस्थान भ्रमण के बाद इन्होंने मौखिक रूप से, इन्होंने मौखिक रूप से, इन्होंने मौखिक रूप से सर्वप्रथम राजस्थान को, सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना कहा, राजपूताना कहा। कल मैं पढ़ावे आऊ ना, मोबाइल ने दूर रखी हो अपने, ध्यान रखियो बात, फोड़ोंगो मैं तुमने, इतना फोड़ोंगो बहुत ज्यादा, तुम यूं मत समझियो कि मास्टर कचुना के को ये घंटा पढ़ावे आवे आनंद ले, और मैं आनंद लेता हूँ दिलवाता हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करे करो तुम कहा है? है? अरे मम्मी को फोन आ, पापा फोन आओ, कहा है भी समझ ना आवे, कल से ध्यान रखना विशेष रूप से मोबाइल, ऐसे सोना जैसे तुम रात को सो जाना ऐसे मोबाइल सुबह दे करो, 5 घंटे क्लास चलती तुम्हारी, 5 घंटे सोचो मोबाइल है ना हम पे, और जिसने अगर छोटे बालक मत बनो यार, तुम्हें जिद छोड़ो, हालत खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी अगर तुम नहीं पढ़े तो, मेरी जिंदगी देख लो तुम, गंभीर हालत है, इतनी हालत गंभीर है कि पूछो ही मत तुम, 3-3 बार दे लिए, कब 1 नंबर कब 2 नंबर, और कचु दियो ना जाए, मैं साहब घूमेंगे तो नीली बत्ती, गाड़ी में घूमेंगे नहीं तो घूमेंगे, तो तुम मास्टर बन जाओ बहुत बढ़िया बात रहेगी। क्या लिखा है मैंने? ठीक है, मौखिक रूप से देने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्ज थॉमस, वो तुम सवन के कहा है? फूफा। मेरे को कहा है? फूफा। बाकी बात करेंगे।